Welcome to speedining.com, stockforexcourse.com and zero loss option trading. दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे अच्छा प्रॉफिट आप कैसे बनाएंगे? कई बार सवाल आता है हाउ टू पिक बेस्ट स्टॉक इन इंट्राडे ट्रेडिंग, कैसे डिसाइड करें? इट्स वेरी इजी। देखिए अगर आपका फोकस सही है, मैं कई बार बोलता हूं आपसे कि अगर आपका सवाल सही है तो जवाब मिल जाएगा, लेकिन आपको सवाल ही नहीं पता है तो फिर जवाब कहां से मिलेगा? गूगल के जमाने में है आप लोग, अगर आप गूगल सर्च में सही टर्म डाल देते कि आप पूछ क्या रहे हो, ढूंढ क्या रहे हो, तो क्या आपको जवाब नहीं मिल जाएगा? लेकिन अगर हम प्रॉब्लम ही फाइंड आउट नहीं करो तो आंसर कहां से मिलेगा? तो देखिए शुरू में हमने आपसे कहा बेसिकली जब एक बिगिनर शुरू करता है ट्रेडिंग के बारे में, जब वो मार्केट देखना शुरू करता है, हम उसको सबसे आसान तरीका बताते हैं कि सेक्टर देखो, सबसे स्ट्रांग सेक्टर देखो, उसका टॉप गेनर जिसका एलटीपी अभी भी हाई के करीब है, इसका मतलब रैली कंटिन्यू है। कई बार लोग पूछते सर एलटीपी हाई के करीब है, बार बार आप ये क्यों बोलते हैं? हाई के करीब होने का मतलब रैली अभी कंटिन्यू है, और सेलिंग में अगर एलटीपी लो के करीब है इसका मतलब अभी सेलिंग कंटिन्यू है, वो जो फॉल है, डाउन फॉल है, वो कंटिन्यू है। तो अगर आप यहां पे एंट्री करेंगे तो आपको मौका मिल जाएगा कुछ प्रॉफिट बनाने का। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर आपने अर्ली एंट्री की है तो आपको लेट एग्जिट का मौका मिलेगा, मतलब आपको बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपने लेट एंट्री की है, लेट एंट्री कौन करते हैं? जिनकी अपनी कोई स्टडी नहीं है, जिनको स्क्रीनर नहीं पता, जिनको मार्केट में स्टडी करने में ये लगता है कि अरे कौन करेगा इतना झंझट, मुझे तो समझ में नहीं आता। समझ में आने वाली बात ही नहीं है, आप एक बार डाटा देखना शुरू करो, डाटा खुद अपने आपको इशारा करने लगेंगे, मतलब देखते 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 सब चीजें अपने आप समझ में आने लगेगी। जो आपने दिमाग में हवा बना रखा है ना कि मुझे तो वो टेक्निकल एनालिसिस की ये चीज नहीं पता, मुझे तो फंडामेंटल एनालिसिस की वो चीज नहीं पता, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है, वो सब दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत सारे लोग यहां इंट्यूशन और स्पॉन्टेनिटी से पैसा बनाते हैं। इंट्यूशन मतलब आपके अंदर से एक आवाज आई, क्योंकि आप बार बार देख रहे हैं ना आंकड़े, तो एकदम आपका दिल दिमाग आपको बताता है कि यार यहां पे मुझे संभावना दिख रही है, आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, इतनी क्वांटिटी खरीदी, स्टॉप लॉस लगाया, बात खत्म। और स्पॉन्टेनिटी मतलब एक बार मन में आया तो आप सही क्वांटिटी के साथ प्रयोग करने चले जाएंगे, क्योंकि क्वांटिटी अगर सही है और स्टॉप लॉस साथ में तो डरने की जरूरत नहीं है। पर कुछ लोग होते हैं ऐसे जड़ बुद्धि के कि या तो वो कहते हैं 1000 शेयर खरीदूंगा या फ्यूचर खरीदूंगा, नहीं तो एक शेयर में भी हाथ नहीं लगाएंगे, इसको कहते हैं जड़ बुद्धि का होना। अब मैं यहां पे एक स्क्रीनर आपको बता रहा हूं जो आपको रिवर्सल का फायदा दिलाएगा। देखो इंट्राडे में अगर आपको सबसे ज्यादा पैसा बनाना है, ऑप्शन में फ्यूचर में सबसे ज्यादा पैसा बनाना है और आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो चाहिए, तो फिर रिवर्सल पकड़ने पड़ेंगे। शुरू में रिवर्सल हमने आपको क्यों नहीं बताया? क्योंकि रिवर्सल को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। रिवर्सल होते हैं, रिवर्सल पहले कहते किसको है यह समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हो सकते हैं, कई बार उनको पता होता है पर श्योर नहीं होता तो वो कंफ्यूज रहते हैं। जानकारी इतनी होनी चाहिए कि काम कर सको। तो रिवर्सल का मतलब ऐसा है कि एक दिन शेयर गिरा, दो दिन शेयर गिरा, तीसरे दिन भी गैप डाउन खुला और फिर अब उसकी गिरावट का लेवल तो खत्म, गिरावट की गति खत्म हो गई, गिरावट का तरीका बहुत स्लो हो गया, अब वो एकदम पलटने लगा है, थोड़े उसमें बायर बढ़ने लगे, फिर एकदम से बाइंग आई और वो सीधा उसने रिकवरी दिखाई। वो तीन दिन से गिर रहा है तो चौथे ही दिन रिकवर करेगा जरूरी नहीं है, तीन दिन से गिरा, थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई, रेंज बाउंड हो गया और 8 दिन बाद उसने एक सडन रिकवरी दिखाई, ये पॉसिबल है। खासतौर पर मिड एंड स्मॉल कैप में तो ऐसे ही होता है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अब उसको कैसे पकड़ेंगे, तो उसके लिए हमेशा आपके काम आएगा स्क्रीनर। मैं जो स्क्रीनर यहां पे बताने जा रहा हूं, आप कॉपी पेन उठाइए, नोट कर लीजिए, रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो, गूगल सर्च में लिखिए, आपके सामने एनडीटीवी प्रॉफिट या मनी कंट्रोल की लिंक आएगी। यहां पे वो स्टॉक दिख रहे हैं जो लो पे थे और एकदम से रिवर्स करके और हाई पे चले गए, तो इसमें क्या है, एक बड़ी रेंज मिली आपको। जब भी रिवर्सल होता है तो आपने कई बार महसूस किया होगा कि कोई शेयर गिर रहा था, आपने कहा अरे यार अभी और नीचे आने दो, खरीदेंगे। जैसे टाटा एलेक्सी आपको रोज ही ऑल इन वन स्क्रीनर में दिख रहा था और आपने उसको 5500 से चलते हुए देखा, वो 6500 आ गया, अभी कल 6350 चला गया था क्योंकि बाजार में बड़ी सेलिंग आई थी। अब आपको लगा कल सुबह इसको ले लेंगे, सुबह जब आप देखने गए तो आपको पता लगा कब वो 6450, 6500, 6600 एक झटके में हो गया। आप देखते रह जाएंगे क्योंकि रिवर्सल हमेशा सडन और शार्प होता है, सडन मतलब आता है अचानक,
और शार्प ऐसा होता है कि 5 मिनट के अंदर 3% 5% ऊपर चली जाएगी चीजें। और आपने अगर किसी शेयर को 320 पे 320 पे देखा और आपके सामने 322 23 हो जाए तो क्या आप चुक नहीं जाएंगे? आप ये नहीं कहोगे कि अरे यार अब क्या मतलब है, अब तो चला गया ऊपर, रहने दो? ऐसे करके लोग चुक जाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं स्क्रीनर की जरूरत होती है। स्क्रीनर मतलब रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो। देखिए इसकी डिटेल में बताऊं, उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और शेयर कर लो सब लोगों के साथ में, क्योंकि अगर ये फायदेमंद लगता है आपको तो कोशिश करो जिंदगी में कि मैं तो यहां से मेहनत कर रहा हूं, समय दे रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं, आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि ये डिपेंड करेगा इस चीज पे कि रेसिप्रोकेशन होना चाहिए, है ना। ये चलो पैसों का नहीं तो प्यार का या ध्यान का लेन देन तो किया जाए। तो अब रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो में आप एनडीटीवी प्रॉफिट पे गए और वहां पे सामने एक लाइन दिखती है। लाइन पे क्या दिखता है आपको, एक तरफ लो है एक तरफ हाई है और हाई के बिल्कुल एक्सट्रीम पे, हाई के बिल्कुल करीब ट्रायंगल दिखे। इसका मतलब अब आपको एलटीपी हाई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पास है कि नहीं है। ग्राफिकली वहां दिख रहा है आपको तीन स्टॉक ऐसे हैं जो बिल्कुल हाई के करीब ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब उनका अभी करंट मार्केट प्राइस हाई के बिल्कुल करीब है। आपने मार्केट वॉच में उसको लगाया और आपने देखा कि उसमें से तीन में से दो का तो हाई से प्राइस अभी नीचे चला गया है और एक का अभी भी हाई के करीब प्राइस है, तो उसमें आप अपनी पोजीशन बना के स्टॉप लॉस लगा दो। छोटे वॉल्यूम में शुरुआत करो, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इसका जस्ट अपोजिट है फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई। 3 दिन से कोई शेयर ऊपर भाग रहा था, अचानक से उसमें रिवर्सल आए और सेलिंग के साथ वो 5% प्लस से 5% माइनस चला जाए, तो 10% की रेंज में से 4-5% कमाना आसान होगा आपके लिए। दोस्तों यहां बनेगा असली पैसा, यहां बनेगा असली पैसा ऑप्शन में। ऑप्शन में पैसा ऐसा हो सकता है कि आप 18,000 रुपए की प्रीमियम दे के जो ऑप्शन खरीद रहे हैं वो शाम को 40,000 बिक जाए, 18,000 to 40,000 इन अ सिंगल डे, ये पॉसिबल है। अब आप सोचेंगे कि सर उसके लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। नहीं चाहिए, सही एंट्री सारा काम कर देती है। अगर मैं सही जगह एंटर कर गया और वो वहां से भाग के 4,000 रुपए ऊपर चला गया, अभी 4,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपको हिम्मत आ जाएगी ना कि ठीक है एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता हूं, देखूंगा अगर एसएल हिट भी हो गया तो मुझे नुकसान तो होगा नहीं, क्योंकि एसएल पहले नीचे था, बाद में मैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ले आया, अब अगर गया तो नुकसान नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज टैक्स लग जाएंगे। अब आप छोड़ के गए और वापस आके देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि 17,000 मिल रहे हैं, अब तो आप शेयर हो जाएंगे। तो ये सारी ताकत कहां से आई है? आपने ऐसे समय एंट्री कर ली कि उसके बाद वो खतरे से दूर चली गई बात, फिर आपको हिम्मत आने लगी, वो हिम्मत बढ़ते बढ़ते बात 2,000 रुपए के प्रॉफिट कमाने वाले इंसान को 20,000 रुपए के प्रॉफिट तक पहुंचा देती है, 20,000 तक पहुंचा देती है। तो दोस्तों क्या बोला है मैंने, दो स्क्रीनर बोले हैं, रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो नोट डाउन कीजिए और फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीनर्स एंड यू कैन फाइंड इट इन मनी कंट्रोल एंड ndtvprofit.com और इकोनॉमिक टाइम्स में भी मिल जाएगा, आप बहुत सारी साइट से जहां पे ये चीजें आपको मिल सकती है। दोस्तों हमारे साथ सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए और आदेश करते रहिए। आपका कमेंट मिलना चाहिए मुझे, आप बताते जाइए आप किस किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं, क्योंकि अभी कमेंट में आया था सर कमोडिटी पे वीडियो बनाइए। बिल्कुल कमोडिटी पे वीडियो बनाने की तैयारी हो रही है, वो भी आपको मिलेगा। आपको अगर कोई सजेशन हो तो बताइए, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे जाइए और वहां से कोई सा भी एक छोटा कोर्स आप उठा के प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अगर एक बार आपको ये सीखने की आदत पड़ गई कि हाँ 3,000 का कोर्स वीक में 5,000 दे रहा है, तो आपके अंदर का वो खौफ खत्म हो जाएगा, गरीबी निकल जाएगी दिमाग से कि मैं अपने आगे बढ़ने के लिए हर चीज अपने आप में निवेश करने को तैयार हूं, है ना। ये तोहफा आप अपने आप को दीजिए। थैंक यू।